नहीं नहीं, पिछले मैच में शुक्लान मुश्ताक सपोर्ट कर रहा है, दमादों की गेम हो रही है। आप देखें यहाँ, देखें फिक्सर्स को आपने लगाया हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप में हिम्मत है इनमें से किसी को बुलाएं, मैं आपको यहाँ प्रूफ रखता चला जाऊंगा। इनमें मत है तो ये डिनाई करें, मुझे शू कर दें। बिकॉज ऑब्वियसली कल जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की तरफ से हुई, इट हैज बीन एम्बैरेसिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और अब तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि ये वन ऑफ अपसेट्स नहीं है, दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी वी विटनेस फर्दर ऑन। जो हमारा प्लान था हमने वो थोड़ा सा अचीव किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बैटिंग में भी किया हमने, और अनफॉर्चुनेटली दो इंजरीज हो गई, तीन सॉरी। देखिए नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं ना, नेशनल इंटेग्रिटी भी होती है। आमिर को अभी आपने फिक्सर को लाया, अभी वो एक फिक्सिंग ऐप को जो ऐप प्रमोट कर रहा था अभी, फिर उस लोगों ने शोर मचाया, उसने छोड़ दिया। यार ऐसे लोगों को देखें, एक प्रेसिडेंट सेट करें। इंडिया ने कभी भी फिक्सर्स को दोबारा नहीं खिलाया, आप क्यों बार बार उन्हीं की तरफ जाते? इसका मतलब है हसनैन जैसे जो यंगस्टर हैं इन्हें तो पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। न्यूजीलैंड के प्लेयर मार्क चैपमैन ने कहा कि हमने मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग तो हासिल नहीं की, हमने सिर्फ अपने स्कूल के एग्जाम पूरे किए और हम यहाँ खेलने के लिए आ गए हमारे समर ब्रेक में। बॉयज आर हैविंग फन। अरे बिल्कुल, थोड़े काफ़ी पॉजिटिव साइन भी हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि जहाँ पे हमने गलतियाँ की वो हम उसको छोड़ी नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये कायदे आजम की कौम है यार, अलामा इकबाल की। हम बड़े खुददार हैं, कोई सदका खैरात छोड़ते नहीं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी हमारे पास कोई पोटेंशियल है, कोई टैलेंट है, तभी गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे पास आए, और गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुराद उनकी थी कि गैर मुल्की कोचेस ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। लेकिन ये जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप मिस्टेक भी करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा मिस्टेक हमने की है उतना हमारे लिए अच्छा है। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे। सो या तो आप ऐसी टीम को न्यूजीलैंड की बुलाया ही ना करें, क्योंकि उनसे कहें जी कि आपने आना है तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए, वरना आप मत आए, क्योंकि ये इसी तरह के जो 19-20 मैच होते हैं ना, वो व्हाट इफ के माइंडसेट से फिर पाकिस्तान टीम खेलना शुरू होती है कि अगर हम हार गए तो और बुराई होगी, और ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। जनाब मुबारक हो, मुबारक हो, पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से जो अब सी डी टीम के साथ खेलने जा रही है, और एक बार फिर से पाकिस्तान के पास मौका है भाई कि सी डी टीम को मार के फन्ने हान बन जाए। देखिए ये फ्रॉड करते हैं, ये इनके पास देखें, आपको अगर आप लेट सपोज आप मैट्रिक पास हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं? एग्जैक्टली, यहाँ पे तो इनको पता ही कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं, आर्मी की ट्रेनिंग हमने कराई, चलो जी समझ में आ गया जी फिटनेस लेवल, दुनिया में कभी आपने अगर फिर आपने हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग करानी है, फिर तो अमेरिका की टीम दुनिया की नंबर वन हो, जैसे उनके पास टेक्नोलॉजी है, चाइना हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, या अरब कंट्रीज जो हैं जिनके पास पैसों के ढेर लगे हैं, फिर तो इनके हो। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यू आर इलिटरेट, यू जो आपके अकाउंट ने कह दिया आपने। जिस तरह सर मेरा सवाल था शादाब वाला, अब मुझे आपको पता है कि वो बॉलिंग में ठीक नहीं कर रहा, वो बैटिंग में उसके 30-40 समय नहीं चाहिए, तो ये बोर्ड क्यों पता नहीं है जी? पिछले ये शादाब को कौन सपोर्ट कर रहा है? पिछले मैच में शुक्लान मुश्ताक सपोर्ट कर रहा है, दमादों की गेम हो रही है। आप देखें यहाँ, देखें फिक्सर्स को आपने लगाया हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप में हिम्मत है इनमें से किसी को बुलाएं, मैं आपको यहाँ प्रूफ रखता चला जाऊंगा। इनमें हिम्मत है तो ये डिनाई करें, मुझे शू कर दें। पहले भी बड़ी कोशिश की, फिर माफी मांग के भाग जाते हैं। देखें जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को आना चाहिए जो ईमानदार है। देखें ज़हीर अब्बास बड़ा नाम है, ईमानदार है, यूनस खान ईमानदार है, राशिद लतीफ ईमानदार है। अब क्या होता है दुनिया में, अब बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है जय शाह, उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक है फाइनेंसिस से। वो जिसको कहेगा, अमित शाह साहब का बेटा है, वो जिसको एक फोन करेगा उसकी क्या औकात है वो कहे नहीं। देखिए नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं ना, नेशनल इंटेग्रिटी भी होती है। आमिर को अभी आपने फिक्सर को लाया, अभी वो एक फिक्सिंग ऐप को जो ऐप प्रमोट कर रहा था अभी, फिर उस लोगों ने शोर मचाया, उसने छोड़ दिया। यार ऐसे लोगों को देखें, एक प्रेसिडेंट सेट करें। इंडिया ने कभी भी फिक्सर्स को दोबारा नहीं खिलाया, आप क्यों बार बार उन्हीं की तरफ जाते? इसका मतलब है हसनैन जैसे जो यंगस्टर हैं इन्हें तो पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। इनको तो देखे ना, आपका जब कोई फ्यूचर नहीं। मैं उस्मान को क्यों कह, कौन इंसान होगा जो अपने मुल्क के लिए सर्व नहीं करना चाहेगा? आप वो फैसिलिटीज तो दें ना। वो जो आप रिजवान को, बाबर को, जो आपके स्पेशल किड्स हैं, और मैं और आप जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लेजर गॉड है, यानी कि हम कोई वो बस्तियों में पैदा हुए हैं जिनके पीछे कोई नहीं है।
जब तक आप सजा और जजा नहीं लाएंगे, जब तक आप ये लैकिंग डिसलैकिंग से नहीं निकलेंगे, मॉडर्न डे में होती हैं, आपने फिटनेस पे इंप्रूव, दुनिया से कोई टॉप क्लास का लेके आते जो फिटनेस ट्रेनर होता है, इनको आगे लगा के फिटनेस कराता, भाई पहाड़ पे चढ़ने से, रस्सी खींचने से, टायर पकड़ने से, वो देखें नतीजे निकलने शुरू हो गए, आजम खान बगैर खेले बाहर, रिजवान बाहर, देखते जाएं ये आमिर इमाद। अच्छा एक एक बात ये भी हो रही है, एक बात ये भी हो रही है कि सारे, मतलब ये क्या सारा ये है, कोई मेरी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे चल रही है कि सारे वर्ल्ड कप से पहले इंजर हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के से करीब करीब एकदम वापस फिट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्रैश रहियां नहीं है। देखिए सदा साहब, ये रियलिटी है, आपकी बॉडी देखो ना, मैं और आप इसके लिए बने नहीं, वी आर नॉट मेड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, फॉर हेवन सेक्स, दे आर क्रिकेटर्स, दे आर नॉट गोइंग एट वॉर, ये कोई नॉर्थ कोरिया, ये वो मुल्क थोड़ी है जहां पे बेसिक ट्रेनिंग होती है आर्मी की, ये तो वो लोग हैं जो नाजों में पले हुए हैं, ये धूप में जाके खेलेंगे, ये लोग वो हैं मम्मी डैडी बाहर रहते हैं, जूस ला के एक नौकर इनके मुंह में, अब वो वाले नाजुक बच्चे आ रहे हैं, ये वो बच्चे नहीं आ रहे जो हमारे दौर में आते थे। बिकॉज़ ऑब्वियसली कल जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की तरफ से हुई, इट हैज बीन एम्बैरेसिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और अब तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि ये वन ऑफ अपसेट्स नहीं है, दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी वी विटनेस फर्दर ऑन, और क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा जरा डाइसेक्ट करेंगे कल के मैच को कि कल क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब ये टीम आ रही थी तो उस वक्त तो बड़े हम खुश थे कि नहीं जी पांच T20s तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पांच T20s में तो हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, जीतेंगे भी हम, और उसके बाद तो फिर आयरलैंड और इंग्लैंड है, मगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इस मैच के ऊपर फोकस होगा, इस हवाले से हमारी मेजरली डिस्कशन होगी, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आज ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान, और बिल्कुल सवेरा आपने ठीक कहा कि सबसे ज्यादा अहम बात पाकिस्तान के लिए यही रहेगी आज के दिन में, दिन तो है लेकिन अच्छा नहीं है, और अब बुरे दिनों की आदत वैसे काफ़ी होती चली जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 8 माह में पाकिस्तान के दिन ज़्यादा बुरे ही रहे हैं क्रिकेट के एतबार से, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई नहीं हैं। बिल्कुल अच्छी खबरें, हम एक क्रिकेट ही तो है जिसके पीछे पाकिस्तान की पूरी कौम दीवानी है, मगर यस इस दीवानेपन को मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम हो रहा है, बिकॉज जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो शायकीन का इंटरेस्ट कम होता जाता है। दिसंबर 2021 वॉज द लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज से हम एक T20 सीरीज जीते थे, 2021 दिसंबर, यानी 2.5 साल हो गए हैं हम एक भी T20 सीरीज अपने नाम नहीं कर सके, होम और अवे, लेकिन हम तो नंबर वन है, बस हम नंबर वन बोलिंग साइड भी हैं, हम नंबर वन हैं, हमारे बैटर्स रैंकिंग में सामने सामने टॉप 10 में दिखते हैं, मगर क्या करना है ऐसी रैंकिंग का जब हम एक न्यूजीलैंड की बी भी नहीं, शायद सी साइड को भी ना हरा सकें। आपकी ये क्रिकेट टीम सरदार स्नैन साहब, आप भी इतने अरसे से कर रहे हैं, ये क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, देखिए न्यूजीलैंड हैज अचीव्ड, यस, एक मैच जीत के दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वर एमिंग, वो यही सोच रहे होंगे पांच में से एक आधा हमने मैच जीतना है, तो तीन में से वो एक एक सीरीज एट पार है, वो दोनों मैच लाहौर में हार जाएं, दोनों हार जाएं, उन्होंने जो आपको डेंट दे दिया, ये अजहर महमूद सर होना तो ये चाहिए था, अजहर महमूद जो ये कहता है ना कोई बीसी टीम नहीं होती, तो बेटा तू बच्चे खिला, अच्छा वो कह रहे थे कि उनका फ्यूचर खेल रहा है, तो भाई तुम्हारा भी फ्यूचर खेल रहा है, तुम अपने फ्यूचर को खिला दो, देखें उनका फ्यूचर हमें ना, हमें मोहसिन भाई मेरी एक बात सुन लीजिएगा, कैप्टन आई ऑन देयर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर से खेलते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमें इनको बांध के मारना चाहिए था 5 मैचेस, ठीक है, ताकि अगली दफा वो 10 दफा सोचते यार कि हमने इस तरह की कमजोर टीम पाकिस्तान में नहीं भेजी, कि दुनिया अपनी बड़ी टीमें भेजे, यस, जब टीमों को पता नाम नहीं पता होते वो आपको घर में आपके ठोक के चले जाते हैं, आप किस मुंह से कहते हैं, मुझे ये बताएं स्नैन साहब, अगर आपके लड़के आईपीएल खेल रहे होते ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उल्टा लटक जाता, देखिए आज बांग्लादेश लीग जो है उसमें ज्यादा अच्छे स्टार्स आते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, या आते ही कोई नहीं है, आते ही को जिनको हम बनाते हैं वो भी नहीं हमारे पास फिर आते, वो कहते बस ठीक है, वही विंडो जो पहले दिन आपने ऑपरेट की थी वही 1,70,000 वाली वही चल रही है, अब ये सरफराज वगैरह यार आप अपने नवाजना है ना तो आप इनको कोचिंग रोल दे दें, भाई नए स्टार्स लाएं, यंगस्टर्स पे कहां, ये जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, ये लाहौर कलंदर इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम को देखिए अल्लाह की मार कैसे फिर पड़ती है, लाहौर कलंदर ये ले फिर लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पे ना, लाहौर कलंदर एक भी प्लेयर आप लाहौर कलंदर का जो बता दें इस वक्त, कहां है शाहीन शाह अफरीदी, कहां है फखर जमान, कहां है अब्दुल्ला शफीक, कहां है जमान खान, कहां है आरिस रऊफ, सारे फारिग होंगे, फिर यही होता है जब आप ज्यादा आसमान पे उड़ते हैं ना, फिर कोई सबसे बड़ी बात है इंडिया में भी फ्रेंचाइजीज है ना, आईपीएल होती है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, वहां की फ्रेंचाइजीज की औकात ही नहीं है, शाहरुख खान को बैन कर दिया था अगलों ने, मेगा स्टार बैन कर दिया अगलों ने कि नहीं आ सकता तू वेंकटेश, यहां आपकी फ्रेंचाइजीज वाले बदमाशी करते हैं,
इनके नाम पे नौकरियां मिलती हैं, पीसीबी वाले इनके मुलाजिम हैं, जर्नलिस्ट इनके मुलाजिम हैं, तो मुझे बताएं ये मुल्क है ये मजाक है? यहाँ रूमी होटल के कमरों में हमारे ही लोग जाते हैं और फिर दो टिकटों पे बिकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जब आप इलिटरेट्स को देंगे तो फिर ऐसे ही तमाशे लगेंगे, फिर सवालात नहीं होंगे, फिर मजाकात होंगे, फिर आपका पूरी दुनिया तमाशा बनाएगी। आप देखे सवाल उससे मेरा यही था कि भाई हमें आपका शुएब मलिक नहीं बनाना, हमने ना हमने शाहिन शाह अफरीदी को जो है ना वो मेलकम मार्शल होल्डिंग बनाना है, हमने इससे विकेटें चाहिए। आप अगर दो चार रन दस रन करेंगे वी आर ग्लैड, लेकिन अगर आप एक भी विकेट नहीं लेंगे, चालीस चालीस रन देंगे और ओवर का कोटा ही नहीं करेंगे तो कौन कर? और अगर आप चार ओवर नहीं कर सकते तो आप दस ओवर कैसे करेंगे? और टेस्ट मैच जब इंग्लैंड में आपको डेब्यू कराया गया, आप बैट्समैन थे, आपको दूसरी इनिंग में एक भी ओवर नहीं दिया और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया, ये है मिस बैंड कंपनी। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने पाकिस्तानियों के मुंह से ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत जज्बा है, लेकिन पाकिस्तान का ये टैलेंट है दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए दुनिया के सब देशों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर। अब जैसे कि भारत में IPL चल रहा है और भारतीय टीम IPL के जरिए अपनी तैयारियां कर रही है और इसमें से फिर भारतीय टीम चुनी जाएगी, इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां करने के लिए न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान में इनवाइट किया था। तो पाकिस्तानी जब न्यूजीलैंड के सामने गिड़गिड़ाए, उनके सामने इन्होंने हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने अपनी BSC टीम पाकिस्तान में भेज दी, लेकिन उसी BSC टीम ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के घर में घुस के धूल चटा। इस T20 सीरीज में पाकिस्तान की मेन टीम खेल रही थी, तब भी पाकिस्तान की टीम दो मैच जीत पाई और न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल नई थी, जिनके नए प्लेयर्स के नाम भी दुनिया में कोई नहीं जानता था, तो वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ही आकर धो गए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अपने दुखड़े रोता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन बाबर आजम साहब को इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद भी कोई शर्म लिहाज नहीं है। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर है जो इतना बेशरम प्लेयर है कि मैच फिक्सिंग करने के बाद, अपने देश का नाम डुबोने के बाद, अपने देश को जलील करवाने के बाद फिर से टीम में आ चुका है। इतने बेशरम और इतने लालची लोग हैं ये कि अपने देश को इतनी बड़ी जिल्लत दिलवाने के बाद भी इनका मन नहीं भरता और मोहम्मद आमिर दोबारा टीम में खेलने के लिए तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में क्या उखाड़ पाता है। पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी मोहसिन खान साहब को ये कहते हुए सुना कि पाकिस्तानी टीम में नए टैलेंट को लेने की बजाय पाकिस्तानी टीम के जो पुराने मैच फिक्सर्स हैं, जो कि मैच फिक्सिंग की वजह से बैन हो चुके थे, वो अपनी सजा भुगत कर दोबारा टीम में वापस आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के ही बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट मैनेजमेंट को इसके लिए बैच कर रहे हैं कि वो लोग नए टैलेंट को पाकिस्तानी टीम में लाने की बजाय पाकिस्तान के जो पुराने मैच फिक्सर्स हैं, जिनको टीम में से निकाला जा चुका है, जो पहले ही अपने देश का नाम बदनाम कर चुके हैं, जो पहले ही अपने देश को जलील करवा चुके हैं, उनको दोबारा टीम में लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्या इनके पास टैलेंट खत्म हो चुका है? इससे तो यही साबित होता है कि इनके पास इस समय नए वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तैयार ही नहीं है, इनके पास ऐसी लौट आ ही नहीं रही। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।